एक शब्द ने मेरी आंख खोल दिया कि परमेश्वर के लिए सेवा नहीं करना, परमेश्वर के द्वारा सेवा करना है। आमेन। जब हम परमेश्वर के द्वारा सेवकाई करते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ साथ होता है। आमेन। परमेश्वर के द्वारा सेवकाई करना। आमेन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आज हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी आराधना में, प्रार्थना में, उपवास में, बाइबल पढ़ने में, दान देने में, भलाई करने में, मेल मिलाप करने में, हर बात में परमेश्वर का आत्मा मौजूद होना चाहिए। आमेन। सो जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं वहां जीवन नहीं है ना। थोड़ा सा अब आंखों को खोलो, मैं खुलेगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो बंद रहे। ना लिसन, पढ़िए यूहन्ना 3:5, देखते हैं कहां तक आप बात कर सकते हैं आज। यूहन्ना 3:5 पढ़िए जल्दी से। ईशा सारा वो शेजरी मारा। यस, हमें जल और आत्मा लिखा है बाइबल में कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो व्यक्ति क्या नहीं देख सकता, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ध्यान देना, जल और आत्मा, बोलिए जल और आत्मा, जल और आत्मा, जल और आत्मा, ध्यान दे, जल और, जल और, जल यानी, अरे पानी तो मुझे भी पता, जल मतलब, जल का मतलब क्या है इसके अनुसार, वचन परमेश्वर का, बोलिए जल यानी परमेश्वर का वचन, जल यानी जोर से, जल यानी, जल यानी आत्मा यानी पवित्र। देख, जल मतलब वचन, पवित्र आत्मा मतलब, ध्यान दे, जब तक कोई जल और मतलब ऐड प्लस हो गया ना, ऐड जल और आत्मा दोनों जब तक मिक्स नहीं होता, ध्यान देना, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जब तक दोनों मिक्स नहीं होता तब तक नया जन्म नहीं हो सकता। क्लियर ना। बहुत सारा चर्च आज वचन से ही जन्म पाया है लेकिन आत्मा नहीं है। जितने भी मेन लाइन चर्चेस हैं, है ना, अब देखते हैं बहुत सारे चर्चेस क्या बोलो, बाइबल का प्रचार नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उनके करने में हमारे करने में क्या फर्क है, आत्मा का फर्क है सिर्फ। आमेन। किसका फर्क है, आत्मा का फर्क। सो यदि किसी का नया जन्म सिर्फ वचन से हुआ है, वचन सुनकर ही हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हुआ है, मतलब किसी का गवाही सुन के हुआ है, गाना सुन के हुआ है, कुछ अच्छा लगा इसलिए हुआ है, चंगाई पाया इसलिए हुआ है, तो उसका पूरा तरह से नया जन्म नहीं हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति भटकता रहता है, पाप में गिरता रहता है, भटकता रहता है, गिरता रहता है, भटकता रहता है, गिरता रहता है, भटकता रहता है, गिरता रहता है। हालेलुया। तो जब वो पैदा हुआ, बीमार होकर पैदा हुआ, ऐसे विश्वासी कैसे पैदा हुआ, देखते हैं आप लोग कि बहुत सारे बच्चे बीमार में बीमारी पैदा होते हैं, तो 10 बीमार बच्चे ज्यादा अच्छा है या एक हेल्दी बच्चा अच्छा है, तब समझ रहे हैं? तो आज चर्च में ज्यादा बीमार बच्चे हैं, हेल्दी कम है, क्योंकि उनको सिर्फ वचन और वचन और वचन ही बोला जाता है, लेकिन वचन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। अगर वचन के साथ पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर लाइफलेस, लाइफ नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा, उपस्थिति नहीं होगी। गाना तो गाएंगे, अच्छा गाएंगे, लेकिन उपस्थिति, मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा हुआ है, सुनने में अच्छा लगे, अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, प्रचार हो रहा है, हम जो भजन संहिता पढ़ते हैं वही भजन संहिता बाकी चर्च में भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या फर्क है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। इसलिए बहुत सारी चर्च की हालत है, चर्च है लेकिन वो मरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जीवन का जल, आमेन, जीवन का जल नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मेरा जीवन 4 साल तक सेवा तो कर रहा था लेकिन सेवकाई में ही सब कुछ मैं कर रहा था, उपवास, प्रार्थना, आराधना, वचन सुनाना, प्रचार करना, सारी एक्टिविटीज मेरे जीवन में थी लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं था। दौड़ तो रहा था लेकिन परमेश्वर की आत्मा को छोड़, अपने बल से मैं दौड़ रहा, अच्छा लगता इसलिए कर रहा था, कोई ऑप्शन भी नहीं था इसलिए भी कर रहा, मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए जल और आत्मा दोनों जरूरी। हालेलुया। नाउ अब जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ जाता है, आमेन, तब आपका बाइबल पढ़ना, आप बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपकी आंखों से आंसू निकले, बहुत सारे वचनों को आप पढ़ेंगे, आप हंसेंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे, कभी कभी आप उसको पढ़ के नाचेंगे। कब होगा? जब परमेश्वर का आत्मा आएगा। आपका बाइबल पढ़ना है ना, आपका बाइबल पढ़ना वो स्कूल का किताब जैसा नहीं हो जाएगा, पढ़ना है एक दिन इतिहास का किताब पढ़ने जैसा नहीं होगा। आप बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, उस फर्क, वही फर्क आपके जीवन में होना चाहिए। आमेन। मैं नहीं चाहता कि बाकी कलीसिया की तरह आपकी हालत हो। चर्च कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, रविवार को आना है, कोई रीति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है,
हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए परमेश्वर की संगति में आते हैं, बिना किसी कंडीशन के आना है। आमेन। बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ के प्रभु का सेवा करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, दान देना है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ। आमेन। हमारे जीवन में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी जाके प्रभु का अनुग्रह आपको मिलेगा, परमेश्वर का फेवर आपको मिलेगा। आमेन। थैंक यू जीसस। नाउ जिस दिन परमेश्वर का आत्मा, जैसे बहन हमारी आई थी, जिस दिन फर्स्ट जब आए थे ये कुछ नहीं जानते थे, जानते थे प्रभु के बारे में, लेकिन पहले दिन जब आई तब पवित्र आत्मा के साथ इनका आमना सामना हो, बदल गई। आमेन। वही चीज होना है। तो आज प्रचारक के पास अगर खाली वचन है और परमेश्वर का आत्मा नहीं, तो ये बहन जैसे आई थी और मैं इसको समझाता, प्रभु आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है बहन, बहुत प्रेम करता है, तो उससे काम होगा। मैंने इनको वचन सुनाया और जब मैंने प्रार्थना किया और ये भर गई परमेश्वर के आत्मा से। आमेन। वो एनकाउंटर होना है। मेरा कहना है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपके साथ एनकाउंटर होना है, परमेश्वर का आत्मा का एनकाउंटर होना है। हालेलुया। कोई अलौकिक चिन्ह आपके जीवन में होना है, कोई सुपर नेचुरल बात आपके जीवन में होना है। आमेन। समथिंग, कुछ तो होना है। हालेलुया। कुछ तो होना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, कुछ तो होना है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। सो मैं क्या कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा के बिना हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है, प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है, उपवास का जीवन मरा हुआ है, आराधना करने का जीवन मरा हुआ है, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, हमारे जीवन में नहीं है तो। यदि हम 20 साल पुराना विश्वासी भी हैं, फिर भी हम पाप में गिरते रहेंगे एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं। इसलिए 20 साल के बाद भी एक विश्वासी पाप में गिरता रहता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको माँ बाप की जरूरत होती है, वैसे ही जब एक नया जन्म कोई पाता है, उद्धार पाता है, उसको पवित्र आत्मा चाहिए पढ़ने के लिए। हालेलुया। एक बच्चा बिना माँ बाप के पढ़ नहीं सकता, वैसे एक विश्वासी बिना पवित्र आत्मा के पढ़ने से। हालेलुया। मैच्योर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैच्योर नहीं हो सकता, एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सुपर नेचुरल नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा आपको लेवल एक और लेवल में। आमेन। हालेलुया। क्यों? जैसे एक बच्चे को चलना कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं। कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे जीना है, कैसे बात करना है, कैसे बात नहीं करना है, कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं। वैसे जब एक बच्चा उद्धार पाता है, एक व्यक्ति उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा उसको सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे कपड़े नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कौन सिखाता है? पवित्र। आमेन, आमेन, आमेन। सो पवित्र आत्मा ही है जो हमें कदम रखना सिखाता है, कैसे चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। So, एक बालक से जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है वो बालक होता है, लेकिन जब उसका एनकाउंटर पवित्र आत्मा के साथ हो जाता है वो बालक से व्यक्ति बन जाता है। आमेन। मैच्योर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना, जब कोई नया जन्म पाता है वो शैतान से लड़ नहीं पाता, परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है वो चट्टान के सामने खड़ा रहता है। वो डरता ना। आपने कभी देखा शेर किसी से डरता हूं? देखा आपने, जब शेर चलता है तो जो भी जानवर है वो भागेंगे ना कि शेर भागेगा? कौन किससे भागेगा? शेर, मैं शेर की बात कर रहा, लायन की बात कर रहा हूं। जब वो चलता है सारे साइड कोई अगर जानवर देख भी ले तो झाड़ी के अंदर क्या हो जाएगा? छिप जाएगा। एक धनी एक शेर के समान होता है। आमेन। ना, जब एक धनी एक शेर के समान होता है, अगर शैतान ने उसको देख लिया तो शैतान क्या करना चाहिए? धर्मी को, धर्मी भागेगा ना, शैतान भागेगा। लेकिन कौन भाग रहा है आज? कौन भाग रहा है आज? पास्टर, 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 पास्टर। सुनिए, मैं आपको रोने वाला विश्वासी नहीं, लड़ने वाला विश्वासी बनाना चाहता हूं। आमेन। अगर किसी दुष्टात्मा को निकालना है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे विश्वासी को जाओ, मेरे विश्वासी काफी है दुष्टात्मा को निकालने। उस लेवल में मैं आपको लेना लाना चाहता हूं। आमेन। ये नहीं कि पास्टर चार को लेके जाएगा, चलो दुष्टात्मा है, चार के दस पूरा चर्च अनाउंस करेगा, फलाना फलाना वो घर में ऐसा हुआ, आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे, तो पास्टर को पता उससे कुछ होगा? अरे किसी से कुछ तो हो जाए भाई, मैं वो चर्च नहीं चाहता। आमेन। मैं चाहता हूं एक विश्वासी 10,000 को दौड़ाएगा। कितना? 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 हालेलुया। उस लेवल में आना है, और वो कब होगा? जब आपका एनकाउंटर पवित्र आत्मा के साथ होगा। आमेन। जब आप भर जाएंगे पवित्र आत्मा से। आमेन। ना लिसन, पवित्र आत्मा दूध पिलाता, पवित्र आत्मा क्या खिलाता है? पवित्र आत्मा अनाज खिलाता है, अनाज। आमेन। जिसको आप चबा सकते हो पवित्र आत्मा वो देता है। हालेलुया।
दूध नहीं, क्योंकि दूध सयानों के लिए नहीं, बच्चों के लिए। सयानों को क्या चाहिए? अनाज। हालेलुया, आमेन, आमेन। उस लेवल में प्रभु आपको चाहते हैं, ये कलीसिया उस लेवल में चाहते हैं। हालेलुया, जब आप आराधना करें, प्रार्थना करें, तो अगर सोचे किसी चर्च में आप जा रहे हैं, हमारे ऐसे चार लोग चले गए कि भैया दो लोगों को भेज दीजिए आराधना करने, और दो लोग आराधना शुरू कर रहे हैं, टंग्स में प्रार्थना शुरू, अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू, पता चले तो दुष्ट आत्मा निकलने लग गए, दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो गया, पता चले पास्टर कि भाई किसको भेज दिया तुमने, किसको भेज दिया तुमने, अरे हमारे विश्वासी है वो। नहीं नहीं, वो विश्वासी नहीं है, है कौन मुझे बताइए। हालेलुया, 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 आमेन। ये सुनना चाहते हो सिर्फ, या वहां तक आना चाहते हो? आमेन। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उससे बढ़कर बन। हालेलुया, हर जगह पास्टर नहीं, हर जगह विश्वासी जाना है। भाई वहां जाओ, बहन वहां जाओ, ऐसे। हालेलुया, आमेन। अब सोचे हम पूरा टीम कहीं जा रहे तो क्या होने वाला है? हालेलुया, आमेन। जब हम गए थे विधान नगर में आराधना के समय, दुष्ट आत्मा चिल्ला रहे हैं, सोचिए आराधना के समय डीमन पूरा मीटिंग के लास्ट तक चिल्लाया। और एक लेडी देखा आपने, कोई हिंदू लेडी थी, एक हिंदू लेडी जिन्होंने उठा ही नहीं पाया, वो शायद एंड तक रोती रही, पूरा एंड तक, खत्म मीटिंग फिर भी। जब आप परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं, वो किसी धर्म को नहीं देखता, किसी जाति को नहीं देखता, और वो किसी को भी नहीं छोड़ता। हालेलुया, सबको रिफाइन करेगा, सबको काटेगा, छाटेगा, अगर उस मीटिंग में कोई बैठा है। आमेन, आमेन, आमेन। डीसीएस दिनाकरन का मीटिंग हो रहा था, शायद कौन से एरिया में मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार ब्रदर डीसीएस दिनाकरन का बड़ा सा मीटिंग हो रहा था किसी मैदान में। कुछ लोग हथियार लेकर आए थे कि हम प्रार्थना के बहाने जाएंगे और उनको मार देंगे। कुछ लोग वहां पर आए, और जैसे वो लोग सामने आए, फ्रंट में सब लोग फ्रंट में आए, सबका उद्धार हो गया। सोचिए, परमेश्वर का आदमी, सबका उद्धार हो गया। और गवाही गवाही देने के लिए जब वो आए, बोले कि हम लोग ये मारने के लिए आए थे। रेनहार्ड बॉम्ब, इवांजेलिस्ट रेनहार्ड बॉम्ब, 100 विचक्राफ्ट विच डॉक्टर आए थे, जादू टोना ओझा करने वाले, रेनहार्ड बॉम्ब की मीटिंग, 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा, और 100 के 100 लोगों ने उद्धार पाया उसे। कहना, जो हमारा दुष्ट आत्मा नहीं कर सका, शैतान नहीं कर सका, आपके प्रभु ने कर दिया। आज से हम शैतान के नहीं, प्रभु की सेवा करें। वह अभिषेक का समय है। आमेन। मैंने आपको कहा था ये करिए, देखिए जो मैं प्रचार कर रहा हूं, या ऑनलाइन मीटिंग या फिर किसी और के भाग के प्रचार के लिए नहीं है, ये आपके लिए, जो मैं कह रहा हूं आपके लिए, मैं हवा को नहीं बोल रहा हूं। जी हाँ, आपने शक आना है क्या, लाके देखो। हाँ मैं, अरे आपको बोल रहा हूं मैं, ये आपके लिए बोल रहा हूं। हालेलुया, मैंने कहा था ब्रेक 19 हम रिपीट करेंगे, मैंने बोला था पौलुस का अभिषेक, पौलुस का अभिषेक के बारे में आपको मैंने बोला है ना, कि लोग पत्थरों की नहीं, पत्थरों को छोड़कर जीवित परमेश्वर की आराधना करें। ये वो सीजन है। आमेन। अभी प्रभु के दास, मैंने आपको कहा था कुछ समय पहले कि रिवाइवल आया नहीं है, मतलब आने वाला नहीं है, आ चुका है। हालेलुया। और मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस देखे, उसमें बहुत सारे प्रभु के दास ने कहा आ चुका है। आमेन। और शायद मैंने पिछले कुछ मीटिंग्स में कहा था आने वाला, आने वाला, आ चुका है, द्वार पर तक मैंने कहा था, फिर मैंने कहा आ गया है। आमेन। सो जो मैं प्रोक्लेम कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं आत्मा में, वो हर बात पूरी हो रही है, विशेषकर हमारे भारत में। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में है। वो गिनती नहीं देखता कि 1,000 लोग ही चाहिए, 100 लोग ही चाहिए, 50 लोग ही चाहिए, नहीं, प्रभु कहता सिर्फ 2 काफी। आमेन। सो परमेश्वर का अभिषेक इन दिनों में अद्भुत रीति से आपके जीवन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। जो अभिषेक आपके जीवन में है, जहां भी आप जाएंगे, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका घर हो, गांव हो, वह अभिषेक बदल देगा। आमेन। मैंने कहा अभिषेक बदल देगा, वो बदलने का टाइम आ चुका। हालेलुया। इसलिए अभी आप अपने परिवार को, परिवार के लिए रोएंगे नहीं, हंसेंगे, क्योंकि जय आपकी है। हालेलुया। क्यों? क्यों? उस अभिषेक के कारण, पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण। हालेलुया। ना तो मेरे बल से, ना तो मेरी शक्ति से, पर यहोवा की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सो चर्च, प्रभु आपका अभिषेक करना चाहता है बड़े बड़े कामों के लिए। आमेन। आप चाहते हैं? मैं आपको कहता हूं, आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे,
आप भविष्यवाणी करो। हालेलुया, मैंने कहा आप, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लोग आपको बुलाएंगे प्रभु की सेवा के, थैंक यू जीसस, लोग आपको बुलाएंगे प्रभु की सेवा के, हालेलुया। ये चर्च, ये कलीसिया जिस हालत में आज है उस हालत में नहीं रहे, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, आमेन। आपको खाने के लिए, गिराने के लिए नहीं, आपके बीते हुए कल को बताने के लिए नहीं, आपके आने वाले कल को बताने के लिए प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, आमेन, आमेन। इसलिए अपने आप को पुश करो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, हालेलुया। प्रभु किसी का इंतजार कर रहा, हालेलुया। लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करो। सेजरी मानो रब ऑफ सेजरी, थैंक यू जीसस। आइए थोड़ा सामने सामने आ जाइए, हम लोग कुछ समय प्रार्थना करते हैं, लगभग ये 10 मिनट हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की आत्मा में। यदि कोई दर्शन देना है प्रभु आपको देगा, कोई प्रकाशन देना है प्रभु आपको देगा, यस लॉर्ड, रजिया रामानो रेसे जे, हालेलुया। मांगे प्रभु से, अभिषेक को मांगे। हमारे जीवन खोखला जीवन, बेटौल जीवन, सुनसान जीवन नहीं होना चाहिए, सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। मांगिए, अगर आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं, मांगो प्रभु आपको देगा। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगे प्रभु से, मांगे कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दो, मैं एक मरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता। रबो शाचा रबो, एक नेक्स्ट लेवल के लिए प्रार्थना करें। आप जो घोषणा करोगे लोगों के लिए हो जाएगा, जो भविष्यवाणी करोगे वो भी हो जाएगा। यस थैंक यू, यस थैंक यू।